So welcome to Fundamental of Android Development, and we are going to understand today's important two points, that is Open Handset Alliance or OHA. Our next point is Android Tools. So these are the two basic points that we are going to cover in today's sessions. So first of all, what is Open Handset Alliance? So Android जो open source software है, जो Google और Android Inclusive नाम की कंपनी ने दोनों ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया, लेकिन Google अकेला काम नहीं कर रहा है Android के लिए, साथ में ये लोग भी है जिसका कहते हैं Open Handset Alliance, यानी कि ऐसा एक ग्रुप जो हैंडसेट बनाता है, हैंडसेट यानी कि आपका हार्डवेयर बनाता है, और Google ने जो दिया वो है Android जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ये दो, यानी कि Open Handset Alliance एंड Google, दो लोगों मिलकर आपको ये एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड के मार्केट में आते हैं। सो नेक्स्ट, जो एंड्रॉइड है वो फर्स्ट ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो। एंड्रॉइड ऐसा फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप अभी यूज कर रहे हो। एंड्रॉइड जो है वो प्राइमरीली यानी कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसको उन्होंने कोलैबोरेट किया ओपन हैंडसेट एलियंस के साथ। सो वो सब लोग उन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि आप अगर फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हो तो हम उसके साथ अपना हार्डवेयर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो वैसे ही ओपन हैंडसेट एलियंस वालों ने उनके साथ 30 ऑर्गेनाइजेशन, उसी वक्त जब एंड्रॉइड का फर्स्ट वर्जन आया तब वहां पे ओपन हैंडसेट एलियंस के अंदर 30 ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि 30 कंपनियां एक साथ काम कर रही थी। उन्होंने कमिट किया कि हम उनको बेटर और ओपन मोबाइल फोन मार्केट हम देना चाहते हैं, बेटर और ओपन मोबाइल फोन मार्केट देना चाहते हैं, और वो ओपन हैंडसेट एलियंस के लोग यहाँ देखने को मलते हैं openhandsetalliance.com। मैं उसके मेंबर के लिस्ट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए इधर ये सारे लोग ओपन हैंडसेट एलियंस में आते हैं, जहां पे 5 कैटेगरी है। ऑपरेटर लोग आते हैं, हैंडसेट मेकर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां आती हैं, कॉमर्शियल कंपनियां भी आती हैं, और सेमीकंडक्टर कंपनियां भी आती है। तो ये 5 लोग की कैटेगरी की कंपनियां इकट्ठा होकर ओपन हैंडसेट एलियंस के अंदर काम कर रही है। मैं उसका वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जरा देख लीजिए, ये openhandsetalliance.com ये है, देखिए उनकी वेबसाइट्स, जहां पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल ऑपरेटर, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, सेमीकंडक्टर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन कंपनीज, ये सारे लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। और अगर आप एंड्रॉइड के बारे में कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड ने सभी एप्लीकेशन को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने कई सारा फास्ट एंड इजी एप्लीकेशन डेवलप करने का आपको प्लेटफॉर्म दिया है, ये सब कुछ। साथ साथ कौन से डेवलपर उसके साथ काम करे वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, और उनका होम पेज आपको वहाँ पे किस सॉफ्टवेयर और कौन सी SDK को यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छा वाला आउटपुट मिलेगा वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। सो ये चीज है ओपन हैंडसेट एलियंस। फिलहाल हम दोबारा एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। अभी देखिए, ये जो एंड्रॉइड मैंने पहले एक लेयर वाला आर्किटेक्चर बताया था, और ये दूसरी बुक्स में इस तरह से बताया है। देख लीजिए, पहला लेयर एप्लीकेशन का है, दूसरा लेयर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का है, तीसरे लेयर में लाइब्रेरी और साथ में एंड्रॉइड रन टाइम आता है, और चौथे लेयर में उन्होंने लिनक्स कर्नल को भेजा है। लिनक्स कर्नल सभी प्रकार के ड्राइवर प्रोवाइड करता है, आप देख लीजिए यहाँ पे उसका ऑडियो ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है, वाईफाई ड्राइवर है, तो ये लिनक्स कर्नल प्रोवाइड करता है। एंड्रॉइड रन टाइम में आपकी कोर लाइब्रेरी के साथ साथ डाल्विक वर्चुअल मशीन आता है, और लाइब्रेरी के अंदर आपके पास कई सारी लाइब्रेरी है। देखिए ये SQLite यानी कि डेटाबेस की लाइब्रेरी, ये वेब किट यानी कि ब्राउजर की लाइब्रेरी है, और ऐसे कई सारी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपको एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक्टिविटी मैनेजर आते हैं, सभी प्रकार के विंडो को मैनेजर करने के लिए विंडो मैनेजर आते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर भी वहाँ आते हैं,
आप डायल फोन करते हो, रिसीव कॉल करते हो, उसके लिए टेलीफोनी मैनेजर आते हैं, और ऐसे कई सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं अपडेट्स वाले, तो वो नोटिफिकेशन मैनेजर उसको मैनेज करता रहता है। इसके पहले आप जो एक्चुअली वर्क कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वो एप्लीकेशंस होता है, जिसको हम होम पेज या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट या फिर फोन या फिर ब्राउजर कहते हैं, और ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस वहां पे यूज कर सकते हैं, जहां पे दो प्रकार की एप्लीकेशन होती है, कस्टम एप्लीकेशंस भी होती है और यूजर डिफाइंड यानी कि हम बनाकर रखते हैं वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि कस्टम एप्लीकेशंस, यूजर डिफाइंड एप्लीकेशंस और बिल्ट इन एप्लीकेशन जो रेडीमेड मिलता है। तो इस प्रकार का एंड्रॉइड आर्किटेक्चर काम करता है। जब हम एंड्रॉइड को पढ़ने जाते हैं तो उसके टूल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। टूल्स में पहला टूल्स है जिसका नाम है एंड्रॉइड SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और दूसरा नाम है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ये दो मैनेजर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मैनेजर और AVD यानी कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। AVD के अंदर आपका एंड्रॉइड इम्यूलेटर काम कर सकता है, और डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सर्वर, यानी कि ये जो डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सर्वर है वो आपके एक्चुअली डिवाइसेस के साथ किस किस प्रकार का ऑपरेशन होता है या फिर आप कौन से फोल्डर में क्या रखना चाहते हो वो आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉइड डिबग ब्रिज आपके फिजिकल डिवाइसेस को आपके एक्चुअल डिवाइसेस के साथ, यानी कि फिजिकल डिवाइसेस को आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ब्रिज करने के लिए, उसको डिबगिंग मोड को ओपन करने के लिए ये एंड्रॉइड डिबग ब्रिज आता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADB। एंड्रॉइड हायरार्की व्यूअर यानी कि आपने जो लेआउट क्रिएट किया उसके अंदर पेरेंट, पेरेंट के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर और चाइल्ड, कितने सारे कंट्रोल्स रखते हो, इसके लिए ये सब कुछ आते हैं। तो ये भी आपके कई सारे टूल्स हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा, जब इसकी जरूरत होगी तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये टूल का लिस्ट है जो आपको 2 मार्क्स में या फिर छोटे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिस्ट आउट द एंड्रॉइड टूल्स। पहला टूल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका SDK कहा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसके अंदर 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये जो SDK है उसके अंदर 5 मेजर कंपोनेंट होता है। पहला उसको कहा जाता है एंड्रॉइड SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लाइसेंस एग्रीमेंट। पहले हमको लाइसेंस एग्रीमेंट करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और गूगल के बीच में। दूसरा चीज है जिसको हम एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, जहां पे आपको डॉक्स नाम का फोल्डर मिलेगा, जहां पे कई सारी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो जो आप यूज करने जा रहे हो उसका काफी सारा हेल्पलाइन मिलेगा। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आएगा, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में आपको कई सारी जार फाइल जिसका नाम android.jar मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है जो आपके एंड्रॉइड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस के लिए काम आती है। इसके बाद एंड्रॉइड टूल्स आएगा जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो डिजाइन के लिए, डेवलप के लिए, डिबग के लिए, डिप्लॉय के लिए काम आ सकते हैं, यानी कि 4D, डिजाइन, डेवलप, डिबग एंड डिप्लॉय, ये 4 चीज के लिए आपका एंड्रॉइड टूल्स सभी सारे काम कर सकते हैं, और साथ में आपको सैंपल एप्लीकेशन मिलेगा। तो इतना आपको वहां पे लिखने को मिलता है, आपका लाइसेंस एग्रीमेंट, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका फ्रेमवर्क, आपके टूल्स और आपका सैंपल एप्लीकेशन। अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क, या यहाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एंड्रॉइड का फ्रेमवर्क है। यहाँ जो लिखा है फर्स्ट वाला android.star, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के फंडामेंटल के सभी सारे पैकेज और क्लासेस यहाँ से मिलते हैं। अगर आप डाल्विक वर्चुअल मशीन के साथ कुछ क्लासेस वगैरह सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे dalvik.star करके मिलेगा। अगर आपने ये पैकेज यूज किया जिसका नाम है java.star, तो आपको जावा के कोर क्लासेस मिलेंगे, जिसको हम नेटवर्किंग कह सकते हैं, मैथ्स कह सकते हैं, वो सभी सारे जेनरिक यूटिलिटीज फैसिलिटी यहाँ से मिलेगी। java.x.star अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको इंक्रिप्शन वाले, पर्सर वाले, SQL वाले सभी सारे फैसिलिटी, एक्स का मतलब है एक्सटेंशन, जावा एक्सटेंशन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आप junit.star यूज करते हैं तो आपको यूनिट टेस्टिंग वगैरह मिलेगा, और बाकी सब आपको लेटर ऑन पता चलेगा कि कौन सी टूल कौन से कहाँ काम आता है। तो ये सारे पैकेज सबसे ज्यादा यूज होने वाला और इम्पोर्टेंट पैकेज है। सो याद रखिएगा android.star जो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का फंडामेंटल पर्पस है, यानी कि ये पैकेज काम का है, dalvik.star जहां पे dalvik वर्चुअल मशीन के लिए क्लासेस वगैरह काम आ सकते हैं,
जावा डॉट स्टार आपको कोर क्लासेस की फैसिलिटी मिलेगी, जावा एक्स डॉट स्टार यानी कि जावा एक्सटेंशन के क्लासेस मिलेंगे, और जे यूनिट स्टार यानी कि यूनिट टेस्टिंग के सपोर्ट के लिए ये सभी सारा पैकेज आपको मिलेगा। अब बारी आती है कि एंड्रॉइड के अंदर जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन सी इंपोर्टेंट फ्लाइट क्रिएट होती है, यानी कि कौन सा फोल्डर और कौन सी फाइल सबसे इंपोर्टेंट होती है। तो पहली इंपोर्टेंट फाइल है जिसको हम हार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस कह सकते हैं, जिसका नाम है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है जिसको हम ग्लोबल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन फाइल भी कह सकते हैं, इसको हम ग्लोबल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन फाइल भी हम कह सकते हैं। दूसरा चीज आता है जिसको हम SRC कहते हैं। SRC के अंदर कई प्रकार के सोर्स कोड स्टोर होते हैं, यानी कि ये ऐसा फोल्डर है जहां पे आप अपना जावा का फाइल्स का कोड सभी प्रकार का स्टोर इस तरह से करेंगे। सो ये जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML है उसको हम हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ पे सभी सब प्रकार के जावा के फाइल स्टोर होते हैं, और पहला जो एक्टिविटी क्रिएट होता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, और इसके साथ साथ एक और फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट XML। देखिए डॉट जावा के अंदर हम सभी प्रकार की एंट्री पॉइंट्स मैच कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट यानी कि कहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हम मैनेज यहां कर सकते हैं डॉट जावा के अंदर, और डॉट XML के अंदर हम उसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो याद रखिएगा ये जो जैन फोल्डर है वो ऑटो जनरेटेड फाइल्स क्रिएट करता है जिसको हम कुछ एड एडिट डिलीट नहीं कर सकते, वो अपने आप क्रिएट होता है और अपने आप उसको मैनेज करता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है जिसको हम r.java कहते हैं। वो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो एनी फैसिलिटी इन योर XML फाइल, वो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर कंट्रोल को r.java के अंदर उसको रजिस्टर्ड करता है। तो ये हमारा रिसोर्स फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है जावा के अंदर, हमारे रिसोर्स फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है जावा के अंदर, इसलिए हम आर पहले लिखते हैं फिर हमारा बाकी सब फैसिलिटी को यूज करते हैं, और इसको हम सो एडिट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर यू टू रेफरेंस योर नंबर ऑफ कंट्रोल्स फ्रॉम XML टू जावा। नेक्स्ट रिसोर्स फोल्डर आता है। ये जो रिसोर्स फोल्डर है जहां पे हम कई सारे एनिमेशन फाइल स्टोर कर सकते हैं, कई सारा इमेजेस हम स्टोर कर सकते हैं, कई सारा XML फाइल हम स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे एंड्रॉइड के अंदर कई सारी फाइल्स को हेल्प करता है। तो ये सभी सारी चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी जब आप एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनाते हो या एंड्रॉइड की फाइल्स देखते हो। इसके बाद हमको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना पड़ता है या फिर हम फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दो तरीका आपको बताया है कि आप अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को दो डिवाइसेस से रन कर सकते हो। पहला डिवाइस जो फिजिकल है जहां पे आप अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन एक्सिक्यूट कर सकते हो, और दूसरा जो अभी बता रहा हूँ जिसको हम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस कहते हैं। इट इज नॉट अ रियल डिवाइस, आपका ये डिवाइस रियल नहीं है, लेकिन उसके साथ हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या मिलता है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट टारगेट प्लेटफॉर्म वर्जन, यानी कि हम अगर हम चाहते हैं कि मेरे वर्चुअल डिवाइसेस में मुझे 8 एंड्रॉइड 8 इंस्टॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ, एंड्रॉइड 9 इंस्टॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ, एंड्रॉइड 12 वर्जन करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के कई सारे डिफरेंट वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप उसकी कई सारे साइज और रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो क्योंकि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर के बेस है, तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवा सकते हैं। हम उसके अंदर इनपुट मेथड बदल सकते हैं, जैसे कि आप अभी टच स्क्रीन बेस यूज कर रहे हो तो वो आपका फिंगर्स ही आपके लिए इनपुट बनता है। कभी कभी आपको कीबोर्ड इनपुट करवाना है तो आप कीबोर्ड इनपुट भी करवा सकते हो। तो ये सारे इनपुट की मेथड, या फिर आप स्टाइलस यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा वो सैमसंग गैलेक्सी टैब आता है जहां पे उसके साथ एक छोटा सा पेन आता है, वो पेन उसको स्टाइलस कहा जाता है, वो भी एक इनपुट का मेथड से जो काम आता है। दूसरे कई सारे हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहां पे सेट कर सकते हो, और उसके कई सारे स्टोरेज के कॉन्फ़िगरेशन भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सारा एडवांटेज आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस के साथ मिलता है, इसीलिए हम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस यूज करते हैं। तो ये है रीजंस। इन एडिशन अगर आप उसको समझना चाहते हो तो वहां पे कीबोर्ड चला सकते हो, वहां पे आप माउस हैंडल कर सकते हो, वहां पे आप इंटरनेट कनेक्शंस की फैसिलिटी ले सकते हो, आप वहां पे कई सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हुए आप यूज कर सकते हो,
वहां पे आप कई सारी सेटिंग्स बदल कर आप अपना जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हो वो आप मैनेज कर सकते हो। कभी कभी आपको पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड ले जाना है, यानी कि वर्टिकल से हॉरिजेंटल आपको स्क्रीन करना है, तो आपके पास कंट्रोल प्लस F11 और कंट्रोल प्लस F12 नाम का की आपको हेल्प करेगा, जो पोर्ट्रेट मोड से आपको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कराएगा आपका डिवाइसेस, और साथ में आप कई सारे नोटिफिकेशंस को अपने आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा एडवांटेज आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस में मिलेगा, जबकि आपके फिजिकल डिवाइसेस में आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डालकर बैठे हो वो ही आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप इंस्टेंटली, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा डिवाइसेस AVD क्रिएट करना है तो आप वर्चुअल डिवाइसेस में कर सकते हो, लेकिन फिजिकल डिवाइसेस इंस्टेंटली क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका हार्डवेयर वो बहुत कॉस्टली है, जबकि वर्चुअल डिवाइसेस में वो इजी बन जाता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू VTX डिसेबल इन BIOS। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, यानी कि ऐसी एरर सबसे ज्यादा आती है कब, आप जब वर्चुअल डिवाइसेस को रन करने जाते हो तब। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो BIOS के अंदर, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर, आप जो VTX के बारे में जानना चाहते हो उसको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो ऐसा एक फीचर्स है जो आपके मल्टीपल साइमेंटेनियसली वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि अगर आपने VTX डिसेबल है तो आप उसको वर्चुअल डिवाइसेस को, यानी कि AVD को रन नहीं करवा सकते। अगर आपका ये डिसेबल है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये एरर सॉल्व हो सकती है। VTX डिसेबल इन BIOS, अगर ऐसी एरर आती है जब आप AVD को रन करते हो, तो आपको ये दोनों चीज आपको एनेबल डिसेबल करना चाहिए, यानी कि डिसेबल से एनेबल करना चाहिए, तब जाके आपका AVD रन हो सकता है। ये भी एक एरर है जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट।